नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। टॉप एजेंडा की शुरुआत कर रहे हैं तो बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जीतगढ़ गांव की घटना बताई जा रही है। जीतगढ़ गांव में ही बेची जा रही थी जहरीली शराब, तो मामले की जांच के लिए डीएम और एसएसपी गांव पहुंचे। पुलिस पर शराब माफिया से सांठगांठ के लगे हैं आरोप। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जांच के लिए गांव में मौजूद बताए जा रहे हैं। तो मामले की जांच के लिए डीएम और एसएसपी गांव पहुंचे। इस पर अधिक जानकारी के लिए अशोक कुमार संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि बुलंदशहर में आखिर कितने लंबे समय से जहरीली शराब बेची जा रही थी, जिसके बाद से आज ये मामला सामने आया। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, बुलंदशहर में सिकंदराबाद गांव पड़ता है जीतगढ़ी, करीबन 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और 15 लोगों को और विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया है। सूचना पाते ही डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं। बारीकी तरीके से जांच की जा रही है और जो सूत्र में मिली जानकारी के अनुसार कुलदीप नामक इस दारू को सेवन करता था, बेचता था, वो मौके से फरार चल रहा है। पुलिस इसमें 2 टीम गठित कर दी गई है उसे पकड़ने के लिए और पुलिस और डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं और बारीकी तरीके से इसमें जांच कर रहे हैं और पहलू जांच की जा रही है। परंतु काफी लंबे समय से ये कारोबार चल रहा था, सांठगांठ पुलिस का भी आरोप लगाया परिजनों ने भी कि उनकी मिली भगत से यह अवैध शराब का कारोबार चला था, जिसमें 4 की मौत हो गई है। 15 लोगों को पूरे मामले को देखते हुए पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है या क्या कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है? पुलिस की तरफ से 2 टीम गठित कर दी गई है। कुलदीप नामक जो माफिया शराब का, उसको पकड़ने के लिए 2 टीम लगा दी गई है। एसएसपी और डीएम अभी भी मौके पर है गाँव में और वो पीड़ित परिवार से जानकारी जुटा रहे हैं कि ये कहां कितने दिन से शराब चल रही थी मौके से। तभी पुलिस के हर पहलू पर जांच करने के लिए एसएसपी दावा कर रहे हैं, डीएम दावा कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं। पर सवाल ये खड़े होते हैं कि अभी हाल ही में 1 महीना पहले हापुड़ में घटना घटी थी, करीबन 13 से 14 लोगों की मौत हुई थी क्योंकि वहां अवैध तरीके से शराब चल रही थी। तभी भी बुलंदशहर में सर्च ऑपरेशन किया गया था, तब भारी चूक हुई है बुलंदशहर से सिकंदराबाद प्रशासन से, जो सिकंदराबाद प्रशासन में की लापरवाही सामने को आई है। सिकंदराबाद एसडीएम और सीओ के तत्काल में फटकार लगाई है एसएसपी ने। तो तमाम पहलू पुलिस की सांठगांठ से बड़ा कारोबार चल रहा था, जिसके चलते 5-4 लोगों की मौत हो गई है। 15 लोगों को अभी गंभीर हालत में उनको नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। परंतु सवाल यह निशान होते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो कारोबार चल रहा था किसी जो पुलिस की सांठगांठ से चल रहा था कि क्यों कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना होगा कि बुलंदशहर में एसएसपी और डीएम मौके पर पहुंचे हैं और क्या कार्रवाई की जाती है। जो कुलदीप नामक जो माफिया है वो मौके से फरार है, उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। जी, इससे पहले अशोक ऐसा ही नजारा प्रयागराज में भी देखा गया था। बुलंदशहर से एक खबर आ रही है जहां पर जहरीली शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है, तो आखिर ये शराब माफिया किस हद तक अपनी तार पसारे हुए हैं, कहां कहां तक इनके तार जुड़े हुए होने की आशंका जताई जा सकती है? क्योंकि अक्सर ऐसे देखा जा सकता है कि जब भी चुनाव नजदीक आने को होते हैं, ये जहरीली शराब के जो माफिया होते हैं ये कहीं ना कहीं से जाग उठते हैं और कई लोगों को बीमार करने के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर फेल नजर हर बार क्यों आती है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो सिकंदराबाद जो क्षेत्र है, ये जो जीतगढ़ी क्षेत्र है, ये ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर से लगी हुई तहसील है बुलंदशहर की, और हरियाणा राजस्थान दिल्ली की तमाम यहाँ पर सेवन होता है। ऐसा नहीं कि पुलिस को संज्ञान में नहीं है, क्या अधिकारी को संज्ञान नहीं है? अधिकारी की मिली भगत से ही ये कारोबार फैलाया जाता है। जो पुलिस की सांठगांठ आरोप ने लगाया है कि पुलिस को बड़े पैमाने पर यहाँ से रिकवरी जा रही थी, बड़ी वसूली करी जा रही थी, उनकी सांठगांठ से ही ये शराब का कारोबार चल रहा था। जो कुलदीप नामक जो युवक है, पुलिस की मिली भगत से ही अपना कारोबार फैला रहा था। अब पुलिस ने की पहले से इस पर कार्रवाई कर दी तो ये जो 4 लोगों की मौत हुई है कहीं ना कहीं वो बच पाते। अब देखना ये होगा कि जो कौन कौन दोषी हैं पुलिस विभाग के कर्मचारी। जी अशोक, आपने कहा कि पुलिस के मिली भगत से ही ये पूरा खेल खेला जा रहा था, तो क्या अब तक उस पुलिसकर्मी का पता चल पाया है कि किसके मिली भगत की वजह से ये पूरा कांड किया जा रहा था? बिल्कुल, आपको बताऊं कि कहना बहुत जल्द होगा क्योंकि अभी घटना सुबह की है। एसएसपी और डीएम मौके पर पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं उनसे जानकारी जुटा रहे हैं और उन पर जो आरोप पुलिस पर लगाए हैं कि सांठगांठ के आरोप जो पुलिस का कारोबार चल रहा था। अब देखना ही होगा बुलंदशहर के एसएसपी जो
उसी पुलिस कर्मचारी हैं, उनके साथ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। अब देखना यह होगा कि आबकारी विभाग के अधिकारी की क्या, आबकारी विभाग की भी मिली भगत भी का कारोबार हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि आबकारी विभाग ही छापेमारी करती है अवैध शराब के, जो शराब बेचते हैं। अब देखना यह होगा कि जो आबकारी विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं बुलंदशहर में, डीएम उन पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या आला अधिकारी क्या कार्रवाई करती है। साफ साफ मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि इस तरह की जो अवैध शराब माफिया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि उन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है, जो माफिया है वो फरार चल रहा है, उसे पकड़ने के लिए दो टीम लगाई गई। एक सवाल और यहाँ, क्या जो लोग जिनकी हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्या उनके हालत में जरा सा भी सुधार देखा जा रहा है, या इस वक्त भी उनकी हालत उसी तरीके से गंभीर बनी हुई है? बिल्कुल, आपको उनको बताऊं कि ये जीतगढ़ के तमाम जितने भी ग्रामीण हैं उनका जो टेस्ट कराया जा रहा है, और 15 लोगों को सभी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, और कुछ 5 से 6 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। रिया की उनकी हालत बड़ी डैमेज है, क्योंकि जल्दबाजी होगा कहना कि उनकी हालत बहुत खराब बताई जा रही है, क्योंकि उनका नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, कुछ लोगों को ग्रेटर नोएडा और नोएडा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि बारीकी तरीके से जांच की है, एम्बुलेंस वहां पर पहुंची गई है, और जो जो जिसकी हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। परिजनों को क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि परिजनों का साफ साफ कहना है कि पुलिस की मिली भगत से यह अवैध तरीके से शराब का कारोबार चल रहा था, प्रिंस नामक ब्रांड से इसको शराब को बेचा जा रहा था, जो कुलदीप माफिया है बड़े पैमाने पर पुलिस को साठगांठ करता था, आबकारी विभाग के अधिकारी साठगांठ होती थी, जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर कारोबार चल रहे थे, जो कुलदीप नामक का आरोप लगाया कि कल शाम को वहां से सेवन करी गई थी दारू, और जो लगा शाम के रात में इन्होंने जो लोग मृत्यु हुई है उन्होंने रात में सेवन करी थी, तो उन पर आरोप लगाए, साफ साफ कुलदीप नामक जो युवक है उस पर आरोप लगाए हैं कि वहां से दारू ली गई थी, और पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस से भी उनसे कई बार शिकायत करी थी, शिकायत करने के बावजूद भी ये कार्रवाई नहीं हुई। साफ साफ दिख सकते हैं कि सिकंदराबाद पुलिस पर निशान और सवाल खड़े होते हैं कि उनकी ही मिली भगत से अवैध तरीके से कारोबार चल रहा था सिकंदराबाद के जीतगढ़ी गांव में। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार मामले की जांच में एसएसपी और डीएम जुटे हुए हैं, लगातार छानबीन कर रहे हैं, और जो शराब माफिया जिनकी साठगांठ कहां कहां तक है, इनके तार कहां कहां तक फैले हुए, इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने की वजह से अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोग ऐसे भी बताए जा रहे जिनकी ये शराब पीने की वजह से हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है, उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और इस वक्त भी उन लोगों का इलाज जारी है, और कहा जा रहा है कि अब भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को ठीक करके उनके उनके घरों तक वापस भेजा जा सके।